तो है गाइस, नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत क्लीशी और बोरिंग है। बेल आइकन दबाइए, गगन ओपी की साइड नोटिफिकेशन पाइए। कैसे बोलता है स्क्रीन पत्ती में सुस्ता जी। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं बोरो एरिया, कल ग्रेडर ले आए थे मेंटेनेंस करने के लिए, पर मेंटेनेंस अभी रुक के करेंगे, पहले बोरो एरिया में रास्ता बना के आना, नया बोरो एरिया ले आए। ओके सुस्ता, याद करो वो दिन जब अपने वो पुराने वाले कमरे से आते थे यहाँ पे टॉयलेट यूज करने, हैं याद कर लो, यहाँ नहाते थे। कतई वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। तो गाइस अभी सुधीर भैया वाला ग्रेडर लेके जाना है, अपना वाला ग्रेडर तो मैं पता ही, ब्रेक डाउन है जैसे सर्किल की गाइड वगैरह उसकी सेट होनी है। दोस्तों यार ये ग्रेडर स्टार्ट नहीं हो रहा, करिए एक बार दोबारा। बैटरी डाउन हो गई इसकी, रुक जा एक मिनट, बस कर, बस बस रहने दे रहने दे। बैटरी गया है साजी? बैटरी नहीं है इसका, बैटरी यार डाउन कैसे हो गई यार सुस्त? डाउन कैसे हो यार वो वाली सुस्त तो कटा हुआ था, ऑफ था मतलब, यार बैटरी डाउन तो ना होती इसकी, पता नहीं क्या बात होती है। खोल इसको टूल बैटरी को, जब भी खोलते हैं इसका, पर तेरा की चाबी तो अभी मिल नहीं रही फिलहाल के लिए। और इसका स्विच काट दे सुरस्त, पहले तरफ जाके पहले तेरी साढ़ा अर्थ में टच हो जाएगा। बलास भी जाम हो रखा है, कट गया ना दे यार, चाबी लगाएंगे सुरस्त है, प्लास कदी जाम हो रहा साहब। भाई इसकी बैटरी खोल के रख दी है। वैसे तो भाई हम होली से भी आए थे घर पे, तब भी इसे स्टार्ट किया तो हो गया था, इन दिनों बाद भी, और दो तीन दिन में ही डाउन होगी इसकी बैटरी, पता नहीं क्या बात होगी। हो जाती कभी कभी ऐसा, कोई ग्रेडर कम चला हो तो, या कोई ऐसी बात पता नहीं। बाकी बैटरी इसकी साथ की अभी तक चेंज नहीं हुई है, चार साल हो गए बैटरी को, चार साल में कितने सेल्फ लगे होंगे यार, बहुत चल गई बैटरी, कैट की ओरिजिनल बैटरी है, मेंटेनेंस फ्री। बोल भाई उंगली मत पिचा ली अपने, कर स्टार्ट किया नहीं, वो तो जाना चाहिए है, स्विच तो काट ले ऑन कर ले, चल हो गया, बैटरी की दिक्कत है यार। हाँ तू कह रहा भाई सही बात है, कह रहा मैं कह ही रहा, बैटरी बॉक्स कर दिया फिट, चलते हैं, चलो ना, लो आ जाओ, चलो साथ में जा भाई, ना आयो भाई। ये आ गया दोस्तों बोरो एरिया, जो उस दिन बराबर करके गए थे जहाँ पे CID स्पूफ किया था, ACP गगन के साथ इंस्पेक्टर यानी, ये चल रहा है दोस्तों कंप्यूटर लेवलर, पर अपने ये वाला गेट लेवल नहीं किया था, अपने वो आगे वाला किया था लेवल, उसमें ना चले गया नहीं, कितना कंप्यूटर कराया ना उन्होंने, कहते बढ़िया करके किया, अगर आए तो है नहीं, पता नहीं कहाँ रास्ता बनाना, यहाँ दोस्तों नया बोर्ड रिया लिया है अलग, रास्ता वास्ता बनाना पता नहीं कहाँ पे कहाँ। तो भाई आ गया अपने जहाँ खाना खाया था उस दिन, ये खेत किया था बराबर, बोर्ड रिया मिशन इम्पॉसिबल। वो भाई आए खेत वाले, बताएंगे कहाँ रास्ता बनाना है, फिर स्टार्ट नहीं हुआ, बैटरी तो वो वाली रख के लाया हूँ मैं, टर्मिनल थोड़े ढीले रह गए, ऐसे आवाज आई मेरे को, तो उसका ना वो टर्मिनल थोड़ा ढीला रह गया था इसलिए थोड़ी सी फूटी भी चल गई यार, यार टाइट तो किया था पता नहीं किस तरीके से ढीला रह गया, टूट गया होगा धोखे से, टाइट तो वैसे करा था। तो देखते हैं कहाँ से रास्ता बनवाते हैं, कौन सा है नया वो एरिया, ये जा रहा भाई, लेट मारना है यहाँ पे, कैसे दाढ़ी वाड़ी सी रख ली, एक रहे काम का टाइम है गगन, करा दो बढ़िया, क्या चल रहा है भैया, देख हां एक ये परला किला है, हैं ये परला किला, हां एक ये है, हां एक इससे अगला है, ये सब सफाई करनी होगी इसमें, हां सफाई करनी, पानी ले रहे हो, पानी ले रहे हैं, ले ये ले छोटे छोटे, फंसेगी यार ये दोस्तों, JCB का काम है, अरे यार ग्रेटर से करना पड़ेगा, JCB ब्रेक डाउन चल रही है, उलझ गई वहाँ पे चले कौन यार, भले काम सारा एक्सावेटर का होगा लेकिन जाएगा ग्रेटर ही। दोस्तों यही है गन्ने की ये पत्ती सी, ये हटानी है, बार बार ब्लेड में फंस रही है, ग्रेड रुक जाता है, ये हटा देते हैं, बाकी हटाएंगे तो उधर भी है, वो JCB हटाएगी अभी जल्दी जल्दी के लिए, जो चाल बना दे एक्सावेटर की, एक्सावेटर भी आ गई अपनी, Thank you.
देख के भाई धूल बहुत उड़ रही थी भाई रे, ओहो बहुत धूल निकल रही है। कमरे से आओ हीरो बन के, यहाँ बन जाओ जीरो। मैं तो आज एक्सपेक्ट नहीं किया था गाइस कि आज ऐसा काम मिल सकता है धूल वाला। मैं सोचा रास्ता उस्ता बनाना, मैं पता खाली सीएनजी करनी पड़ेगी पूरे। देखो तार कितने नीचे पे हैं, तार के नीचे भी भाई सफाई कर दी है इधर को, ऐसे करके प्लेट मार के तो थोड़ा वहाँ ढेर लगा दिया, बाकी सारा कूड़ा कबाड़ इधर इकट्ठा कर दिया। ये करने का जो वेस्ट बच जाता है ना, फोई बोलते हैं, पत्ती बोलते हैं, कुछ बोलता है, क्या बोलते हैं वैसे अपने उधर, क्या पताई, पताई बोलते हैं, कुछ फोई बोलता है, कुछ बोलता है ना। हाँ चले क्या, नहीं चलो का टाइम हो गया, कमरे पहुँचते हैं दोस्तों, फिर खाना खाते हैं 20 मिनट में। अभी ये बोरडिया चालू हो गया है, गाड़ी सारी खड़ी है, ये चल जाएंगी दोस्तों। अपना मशीन चालू हो चुकी है, तो गाइस यहाँ से एक्सावेटर लगा दिए इन्होंने, मिट्टी उठानी चालू कर दी है जग्गू उस्ताद ने। अरे बाल्टी से पानी पी के आगे जग्गू उस्ताद बता रहे हैं कहाँ जाएगी मिट्टी एक्सावेटर वालों को। हाँ जग्गू उस्ताद ये क्या कर रहे हो, रैंप बना रहे हो, रैंप बनाएंगे नीचे मट्टी जाएगा, नीचे मट्टी जाएगा मतलब। ये हमारे अमित भाई रास्ते में रोक के खा रहे हैं, देखो खाना क्या तरीका है, भी रस्ते में लगा दी तुमने, हाईवे इतना तेज हाईवे चल रहा है, कोई ट्रैफिक आ गया तो। अच्छा खाना ही पड़ेगा, सुधीर भैया वाला ग्रेटर दोस्तों, आपको पता है बहुत ज्यादा कूदता है ये टायरों की वजह से, हैवी ड्यूटी टायरों की वजह से। यानी गाय पे बैठा तू, तो गाइस रूम पे आए थे और रूम पे आके भाई खा लिया खाना, जब कैंपर पानी का लाए थे इसमें भर देते हैं, और भी सही है। आज आप जल्दी आ जाओ दोस्तों, वो अपने ग्रेटर की बैटरी रखते हैं इस वाले ग्रेटर में, इस ग्रेटर की रखते हैं इस ग्रेटर में स्टार्ट करके, ताकि वो वाली चार्ज हो जाए जो इसकी वाली बैटरी है, और हमारे वाले ग्रेटर को तो कोई दिक्कत ना हो जब जाना पड़े इधर उधर, हमें मेंटेनेंस करना होगा तब ना दिक्कत हो। ये तो कर दिया था ग्रेटर खड़ा। तो दोस्तों फिर दोबारा से बैटरी बदल ली है इसकी, अरे जो इसकी थी वो इसमें लगा दी है, जो इसकी थी वो उसमें लगा दी है। अब चलते हैं 43 पे, यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है। आज इस नहर में दोस्तों कोई नहीं नहा रहा, अभी ज्ञानी गया पानी भरने बोतल में, कैंपर में तो भरेंगे वहीं से 43 वाली नहर से, मैं जल्दी थोड़ा पहुंच जाएंगे वहां पे। प्यास भाई बहुत तेज लग जाती है थोड़ी थोड़ी देर बाद, गर्मी खूब पड़ रही है, लू चल रही है दबा के। यहाँ पता नहीं भाई काय का जाम लग रहा है 66 चैनल पे श्याम पेड़े वाले के सामने, बैटरी में दिक्कत हो रही है, बंद हो गया था यार पीछे चल रहा है काम सब ग्रेड उत्तर ही, यहाँ तो डीबीएम हो गया भाई देखो, उस दिन ये बनाया था यहाँ से लेके पूरे में डीबीएम हो गया, पेट में दर्द हो रहा है भाई इसे लाते लाते यहाँ तक, मैं तो 25 की स्पीड पे आया हूँ। अरे बहुत बुरा कुत्ता है उस्ताद, इसके टायरों ने तो आग लगा रखी पेट में। यो उस्ताद यार ये तो थोड़ा महंगा बनाया था, ये तो बनाया था वैसे 2300-2400 का बनाया था, ये तो स्टील का बनाया था, पर स्टील के जूट क्या लोहे का बनवा लो, 1000 रुपए का बस और के है। बड़ा वाह यार,
तो मैं बनवा दूंगा उसके खालिद के दौरे बनवा दूंगा मैं, जितना हमारा कमरा नहीं है उसके थोड़े से आगे वेल्डिंग की दुकान है वहाँ बनवा दूंगा। दूसरे वाले ग्रेटर पर मैंने वहीं नहीं बनवाया, वो तो सुथरा सा ना बनाया उनने, कहेंगे तो सुथरा सा बना देगा, थोड़ा सही सा लगे ना। कैंपर बहुत जरूरी है, कैंपर बहुत जरूरी है यार। ये देखो भाई पूरे में TVM हो गया, ये लास्ट में ये बना के गए थे हम बेड, इस पर GSB डल के WM हो के ब्लैक वर्क भी हो गया। ऐसी स्मेल सी आ रही है TVM बिटमेन की। इस आरी वाल से दोस्तों बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी हैं अपनी 43 चैनल से, अरविंद वगैरह सब हम यहीं पर रहते थे, पिंकू उस्ताद वगैरह सब साथ में। दोस्तों ये यहाँ पे काम है, और इधर ये गाँव है कौन सा, हाँ दमकन खेड़ी है। हाँ तो बोल रहे थे पवन जी वन जी सब हैं, अरविंद वगैरह कोई दिखे ही नहीं थे। तो बैड कर दिया ग्रेडिंग पूरा, इसने फाइनल फिनिशिंग नहीं मारी है क्योंकि इस पर पानी डलेगा फिर फिनिशिंग लगेगी। इस पर दोस्तों खाली ये मतलब ग्रेडिंग करनी थी इसलिए क्योंकि और इसमें मिट्टी डलनी है, साइड में भी बहुत ज़्यादा फिलिंग है इसमें, साइड में बिर्थ भी बढ़नी है, तो वो बिर्थ बढ़ के सब फाइनल अच्छी तरीके से हो गया, फिर इसमें फिनिशिंग प्लेट लग के रोलिंग होगी। फिर ये 43 चैनल का A2 साइड है, ये आरीवाल का चला रहे हैं ग्रेडर। एक बार और पानी पिला देते हैं इन्हें। क्या हाल है? हाय पानी पी लो फिर जा रहा हूँ मैं। कहाँ जाओगे? उधर तो ग्रेडर कहाँ खड़ा करोगे? लेके जाना ग्रेडर। अरे खड़ा कर दो, डीजल फूक रहे तुम कंपनी को और साथ घाटे में पहुँचाओगे। क्या करें भैया, डीजल फूकना पड़ता थोड़ा थोड़ा। और अमन भाई पानी पी लो साथ। ये बसता नहीं है यार, ये बहुत पुराना सिस्टम हो गया। फिर काट के फेंक, ये बैठने का सौदा है काट के फेंक और भाई मिल जाए आपने तो। क्या हुआ, मिट्टी पूरी ना है क्या? अरे चार गाड़ियां चल रही, इतना स्लो स्लो गाड़ी आ रही। अरे ऐसी मैं होता ऐसी बेड बना देता बिना मिट्टी के। सही है, पानी पियोगे? भरवा दियो साथ बोतल, बोतल ले लो भर लो फिर मैं जा रहा हूँ, टाइम से निकला है अपना। एक काम करूं फिर मैं, हाँ चार नटी तो खोलने मैं ही खोल लेता हूँ इसके। हाँ, खोल लो ना। हाँ तुम तो खोल लो, मना किसने करी है? आपसे मना है कुछ? खोल लो मैं बंद नहीं कर सकता, पता ना सुसरा स्टार्ट होगा नहीं होगा। हो जाएगा ना होगा तो सारा बैटरी से होगा, जो बड़ा ले करो बंद। ना ना रहने दो, जाना ही तो है। अब दोस्तों मेरे साथ पता क्या हुआ, हम निकल गए थे यहाँ से आगे को, फिर अमन जी है ना ये बोले कि चलो मेरे को भी ले चलो, मैं वहाँ से वापस आया तो भाई मैं लेके चलने लगा ग्रेडर, बड़े गियर में मशीन थी, ध्यान नहीं दिया, क्लच छोड़ते हुए होगी बंद, और हमने ना इसका बैटरी चेंज करते हुए स्विच इसका काट दिया था, स्विच ऑन करने का भी ध्यान नहीं रहा, ऐसा दिमाग हो गया आज। और भाई बैटरी भी चार्ज नहीं हुई इतनी देर ग्रेडर चला, बस 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 बैटरी उतारनी पड़ेगी एक बार को। सरिया तो है तुम्हारे पास, है सरिया? ये इसमें है तो, है तो बिल्कुल धोरे लगा लो टायर से, टायर जोड़ के देखते हैं करके, अगर है पीछे कैसे ले लूँ यार, तुमने है धकेलोगे कैसे, ब्लेड लगाओगे कहाँ? अरे तुम यही रहने दो ना, बैटरी खोल लेंगे उसका 5 मिनट। अरे इतनी देर में कुछ ना हो। अरे ना, अरे उस्ताद पता क्या हुआ यार, समझ आएंगे दोस्तों, थपाट होगी। अब क्या दोस्तों, साइड में ग्रेटर लगा के बैटरी, थैंक यू अनिल उस्ताद। ये वाला ग्रेटर होता ना दोस्तों तो पंगा पड़ जाता आज। तो दोस्तों निकल रहे हैं, साइकिल है पीछे, साइकिल है, साइकिल पीछे पीछे।